दोस्तों आए दिन भारत को एटमी जंग की धमकी देने वाली पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को अल्लड़ उम्र की दो लड़कियों ने चारों खाने चित कर दिया है। ये दो लड़कियां हैं पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार हरीम शाह और उसकी दोस्त संडल खटक। इनके पास जो मसाला है वो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान में इन दोनों लड़कियों के साथ इमरान खान के मंत्रियों के ऑडियो वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हरीम शाह और संदल खटक ने पाकिस्तान से फरार होकर कनाडा की नागरिकता मांगी है। दोस्तों आज हम इन दोनों लड़कियों और इमरान खान के मंत्रियों के सेक्स स्कैंडल की बात करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। इस पूरे मामले में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। चलो अब शुरू करते हैं। पाकिस्तान के कई मंत्रियों के अश्लील वीडियो जारी करने वाली टिकटॉक स्टार हरीम शाह और उसकी दोस्त संडल खटक ने देश छोड़ दिया है। दोनों इस समय रूस से अलग होकर अस्तित्व में आए देश अजरबैजान के बाकू शहर में हैं। दोनों का आरोप है कि पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पीटीआई के कुछ लोगों ने उनको जान से मारने की धमकी दी है। मीडिया से बात करते हुए हरीम और संदल ने कहा कि अब वे कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने कनाडा से नागरिकता देने की मांग की है। नया साल शुरू होने से पहले हरीम शाह और संदल खटक द्वारा जारी किए गए वीडियो ने पाकिस्तान की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। इन वीडियो में पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख राशिद, विज्ञान और तकनीक मंत्री फवाद चौधरी और रक्षा मंत्री परवेज खटक प्रमुख रूप से दिखाई दे रहे हैं। शेख राशिद का जो ताजा वीडियो जारी किया गया है उसकी भाषा बहुत ज्यादा अश्लील है। खुद इमरान खान भी एक फोटो में हरीम शाह के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में हरीम शाह ने इमरान खान के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल उस फोटो को लेकर हो रहा है जिसमें हरीम शाह एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रही है। इस फोटो में पुरुष का चेहरा छिपा दिया गया है। इसी के चलते कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हरीम शाह और संदल खटक पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। टिकटॉक पर उनके बिंदास वीडियो काफी पसंद किए जाते हैं। कुछ महीने पहले हरीम शाह ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में एक वीडियो शूट किया था। इस वीडियो में हरीम शाह इमरान खान की कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही हैं। इससे पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में हरीम शाह की पहुँच का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए हरीम शाह और संदल ने कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं, कुछ दिन और इंतजार कीजिए, हम कुछ और खुलासे करेंगे। शेख राशिद अब ज्यादा दिन झूठ नहीं बोल पाएंगे। बता दें कि शेख राशिद अपने को अविवाहित बताते हैं। हरीम शाह ने दावा किया है कि शेख राशिद ने उसकी एक दोस्त से शादी की है। हरीम शाह ने अपनी उस दोस्त का नाम अभी नहीं बताया है। हरीम शाह ने अपनी इनकम के सोर्स के बारे में बताने से भी मना किया है। नया साल शुरू होने से पहले सामने आए इस स्कैंडल ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की हकीकत को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। रेल मंत्री शेख राशिद की तो पूरी तरह से रेल बन गई है। सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। पूर्व पत्नी रहीम खान ने प्रधानमंत्री इमरान खान के कई औरतों, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के साथ रिश्तों का दावा किया था। इस स्कैंडल में भी इमरान खान के फंसे होने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हरीम शाह और संदल खटक के पासपोर्ट की कॉपी और पर्सनल डिटेल भी शेयर की जा रही हैं। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बनाने वाले राजनेताओं की करतूतों की चर्चा हर एक चौक चौराहे पर हो रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।